देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गोंडा जनपद थाना तरबगंज पुलिस द्वारा लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाकर दुर्घटना करने वाले पिकअप चालक रिंकू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पिकअप को कब्जे में ले लिया गया है। 30 तारीख को वादी ननके प्रसाद पुत्र राम तीर्थ ग्राम मुंडेरवा थाना प्रयागपुर जनपद बहराइच अपने परिवार के 5 सदस्यों व गांव के करीब 20 लोगों व विशेषगंज से करीब 10 लोगों के साथ पिकअप पर बैठकर गंगा स्नान करने हेतु प्रयागराज जा रहे थे कि रात्रि करीब 11:45 पर थाना तरबगंज क्षेत्र के दुर्जनपुर घाट पर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाकर पानी से भरे गड्ढे में ले जाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था, जिससे पिकअप में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा लगभग 28 लोग घायल हो गए थे। घायलों को सीएससी तरबगंज व नवाबगंज भेजा गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल गोंडा में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। तो वहीं मृतकों के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। दिनांक 30/1/2022 को जनपद गोंडा के थाना तरबगंज क्षेत्र में रात्रि करीब 11:30 बजे एक पिकअप गाड़ी जिसमें करीब 40-45 लोग बच्चे बूढ़े जवान सवार थे, ड्राइवर की लापरवाही से आइडेंटिटी होकर दुर्जनपुर घाट के पास एक पानी से भरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अन्य 20-25 लोग घायल हुए, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी को पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकालकर अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया है। ये सभी लोग बहराइन से प्रयागराज के लिए गंगा स्नान करने जा रहे थे। मृतकों का पंचनामे की कार्रवाई करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।